पता है क्या हुआ मेरे साथ कल? जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है कि कल मेरे साथ क्या हुआ। मतलब कल मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फील किया मिनी हार्ट अटैक। कल मेरे को एक हार्ट अटैक आया था। तो गाइस, अगर आपको भी शौक है बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंसेस का, ये सारे इंपोर्टेड परफ्यूम सीके, अरमानी और युग यू बॉस, तो आपके लिए बहुत अच्छी डील है गाइस। जो भी आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आपको बस इसके ऊपर हाई भेजना है और आपको कैटलॉग मिलेगा। और हाँ, 50% ऑफ, मतलब पूरे भारत में सबसे सस्ता, 100% ओरिजिनल की गारंटी मेरी। और भी बहुत सारे दिवाली ऑफर इनके पास चल रहे हैं, जाओ देखो और जरूर खरीदो दारियल वन का कोड लगा के। तुम्हें एक चीज दिखाऊं? ये देखो बाबू जी, ये देख लो बाबू जी हमारे। दोपहर हो रही है और बाबू जी को देखो, और मैं खड़ा खड़ा बोले जा रहा हूँ, बाबू जी को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। तो देखो कराटे भी सुन रहे हो बाबू जी के। देख लो भाई, तो जिंदगी तो ये है भाई। अपने आप टाइम पे खाना आ जाएगा, अपने साड़ा अपने आप घुमा के लाएगा, नहीं यही मुंह दूंगा। अपने आप नीचे लेके जाएगा, नहीं यही टट्टी कर दूंगा। ये है जिंदगी तो बहन। जो हम सही बताऊं तो ये जिंदगी हमें जीनी चाहिए थी, कुत्तों वाली जिंदगी हम जी रहे हैं। हैं, कुत्तों वाली जिंदगी जी रहे हैं हम। चलो भाई, डिस्टर्ब करूँ बैठ दो, खावा खा क्यों भाई साहब को, सोने दो। ओके जी, ठीक है, हम वो काम निपटाए थे अपने, और हम कुत्ता मेहनत करें, ये भाई सोएंगे आराम से। कोई नहीं भाई, ले ले बेटे, तू भी ऐसे ले ले। मुश्किल से अगर देखा जाए ना तो 3-4 दिन ही मौसम मतलब बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहा, ऐसा लगा हाय मज़ा आ गया, लेकिन साला फिर वही आग लग गई भाई। अरे यहाँ क्या हो गया, चलान कटन लग रहे हैं क्या? हाँ यार, पुलिस वाले खड़े हैं दबा के। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, मुझे देखना है क्या? अरे चलान काट रहे, क्या देखोगे? अरे वाह यार, नई रोड बना दी यार, वाह वाह वाह, काम चल रहा है रोड का। अरे क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया भाई यार, बहुत बढ़िया, बहुत खड्डे आते थे इस रोड पे। अच्छा भाई, कल पता है क्या हुआ मेरे साथ? कल जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है कि कल मेरे साथ क्या हुआ। मतलब कल मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फील किया मिनी हार्ट अटैक। कल मेरे को एक हार्ट अटैक आया था, पता है, और बस पूछो मत। मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरे पास एकदम से एक मेल आती है और उस मेल में लिखा होता है कि भाई आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कुछ कुछ ऐसे पोस्ट किया है जिसके कारण ना हम आपका अकाउंट है ना इंस्टाग्राम का डिसेबल कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने क्या क्या ऐसा, अच्छा उसमें एक तो कहीं भी ये मेंशन नहीं था ना कि क्या मैंने ऐसा पोस्ट किया है, क्या मैंने ऐसा उसमें वो कर दिया है जो कि मेरे खिलाफ मतलब ऐसा ये अकाउंट वो हो रहा है, वो कहीं नहीं लिखा होता। बस मैंने कम्युनिटी गाइड, वो एक कॉलम था कम्युनिटी गाइडलाइंस का, मैंने वो खोला तो उसमें लिखा हुआ था न्यूडिटी ये सब मतलब नहीं करना है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं वो लिखा हुआ था बेसिकली। ये नहीं लिखा हुआ था कि तुमने क्या कर दिया है। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा, और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि मतलब आपके पास 7 महीने हैं, 7 महीने में अगर आपको लग रहा है कि हमने हमारे से मिस्टेक हो गई है तो आप एक रिपोर्ट जनरेट कर दो, अगर सच में आपने कुछ नहीं किया हुआ तो आपका अकाउंट 24 घंटे में वापस आ जाएगा, वरना ये परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। और भाई मैंने करी वो रेस करी, उसमें मेरी आईडीज मांगी, थोड़ी से फ़ोन नंबर मांगे, OTPs आए, ये सब चीज़ें हुई, और 5 या 10 मिनट के अंदर मेरा अकाउंट वापसी आ गया। बस दिक्कत एक ये हुई कि उसमें से ब्लू टिक जो है वो हट गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ब्लू टिक वेरीफाई करने के लिए वो 4 दिन और लगाएंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। तो बस ये भाई एक छोटी सी वो थी, राकेश आ गया, ये बताएगा बाकी। इधर आ भाई, मतलब साढ़ कल मुंह ऐसा सा हो गया, वो मैं 3 साल की मेहनत यार, अंदर आ जा भाई, झाक रहा है बाहर से ही। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, इनको कल एक मिनी हार्ट अटैक वाली, खतरनाक था वो।
राकेश ने सबसे पहले खोला मेरा अकाउंट, करा भैया तो सच में आपका अकाउंट शो नहीं हो रहा है भाई। अकाउंट ही शो नहीं हो रहा था मतलब कहीं पर भी ना, बस मैं तो अनफॉलो करने में, क्योंकि वो उसमें फॉलोइंग में नहीं आ रहा था, बट सर्च में जाके ना उसमें देख रहे हो तो आएगा। तो भी वो नहीं आ रहे थे नंबर्स की, मतलब सिर्फ ये लिखा रहा था मेरा अकाउंट नेम लिखा आ रहा था ना, मेरे को मेरी पोस्ट आ रही थी ना कुछ आ रहा था ना उसमें, और हाँ फॉलोवर्स पोस्ट और फॉलोइंग तीनों 000 हो गए थे, ये था खतरनाक था लेकिन जो भी था। चलो अभी फिलहाल करते हैं थोड़ा सा आज वर्कआउट, शाम हो चुकी है और राकेश हमें लेने आया। एक तो मैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी करता हूँ ना भाई, यहाँ गाड़ी खड़े करते हुए ना इतना डर लगता है, क्योंकि रोज गाड़ी ऐसी होती है जैसे शोरूम से निकल के आई हो, अभी थोड़ी देर बाद आके यहाँ पर देखोगे तो इतनी धूल जम जाती है गाड़ी पे, ये साली रोड एक तो मनहूस है, रोड बनी नहीं है, धूल धूल पड़ी है, बाइक निकल के जाती है धूल। उधर खड़ी कर दो ना, अंदर जाके वहीं खड़ी करें, वहाँ खड़ी कर दो कम से कम। अरे फिर साले निकालने में इतनी भसड़ है वहाँ से। ये कह रहा मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो कि क्या करेगा, वो आग जला देगा। वो नहीं, नहीं, वो यू यहाँ बैठ गया, आग जल गई, ऐसे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा है? उसके पास वो है परिस से काम करता है, वो जिन से काम करता है, उसको मैंने रिलेटिव में देखा भी है, मैंने रसगुल्ले भी खाए हैं, उसने खिलाए मेरे को, कह रहा है बताओ कौन सी चीज चाहिए। मैंने कहा महाराज मैं आपसे चीज तो खा लूंगा लेकिन उसका डबल भरना पड़ेगा मुझे। कह रहा वो तू तो जानता ही है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे को रसगुल्ले खाने हैं भैया। उसने ऐसा किया और मेरे को कह रहा हाथ दिया उसने मेरे को, देखा मैंने कहा यार बाइट तो, मैं खा लिया से खाया मैं तुरंत यार, कुछ और तो नहीं था। नहीं नहीं खोल के देखा नहीं कि क्या था। अरे तो वैसे देख लिया मैंने, अब सबको थोड़ी नहीं दिखाऊंगा, मैंने खा लिया, मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भाई खिलाया, मैंने 11 रुपये उसको दिए। तब मैंने उससे बोला, मैंने कहा महाराज सच बताओ क्या है ये, आपने काम कराया जिससे कराया मुझे पता है। कह रहा हाँ। तो मैंने कहा महाराज मेरा भी हाथ देखो। ओह माय गॉड, निकल चुके हैं गाइस और जाम का सामना करते हुए जल्दी निकल गया, मतलब 8:20 पे निकल गया भाई। आज तुम्हारा भाई जा रहा है बाहर, थोड़ा सा मतलब बाहर नहीं, मतलब कोई विदेश में नहीं जा रहा, गुड़गांव जा रहा हूँ। ठीक है तो एक बार घर चलते हैं और बस बैग वैग रखते हैं, जिम का बैग वैग रखते हैं और भाग लेते हैं गुड़गांव के लिए। ब्रो भूल जाता हूँ ना, भूल जाता हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ बार बार, भूल जाता हूँ। 10 बज चुके हैं रात के और अब मैं निकल रहा हूँ गुड़गांव के लिए, क्या करें भाई क्या करें, देखते हैं। मिलवाता हूँ आपको किसी से, काफ़ी टाइम बाद मैं भी मिल रहा हूँ, और भाई बहुत टाइम से भाई बोले जा रहे थे कि मिल लो भाई मिल लो, आज जा रहे हैं फाइनली हम। तो भाई 10 बज रहे हैं और अब हम निकल चुके हैं गुड़गांव के लिए, और अभी मैंने मैप डाला ना, पूरा ब्लू मैप, पूरा नीला, वाह, मतलब किस्मत वालों को मिलती है ऐसी रोड है ना, वरना तो भाई गुड़गांव जाना वो खून से भरी हुई रोडें दिखती है ना, लाल 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 लाल, पूछो मत। अब देख रहे हो भाई रोडें पूरी खाली पड़ी है भाई, ये एयरपोर्ट के साथ वाली रोड है, ये देख लो भाई, मैं तो ट्रस्ट नहीं हो रहा सच में कि ये क्या रोड बना दी। इधर ये फार्म हुआ करते थे, शादियां हुआ करती थी, और ये इसके साथ वाली रोड भाई, ये तो एकदम चमका दी यार इन्होंने सीरियसली। ये इधर एयरपोर्ट है, इधर मैं तो बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, 3-4 महीने बाद आ रहा हूँ भाई। यहाँ लग रहा थोड़ा सा जाम, जाम लग रहा है, जाम का माहौल बना हुआ है। बस ये सीधा ऊपर चढ़ जाता है आगे धोलागुआ के लिए, इधर मुड़ जाते हैं हम टर्मिनल 3 के लिए। वाह ट्रकिया वाली टिकट। एक टाइम था यार मैं गुड़गांव में इतना ट्रैवल किया करता था ना, इतना मतलब मेरा डेली का था गुड़गांव जाना, और यहाँ मेरे एक वो आते हैं शंकर भगवान, ठीक है रोज मैं यहाँ पे मत्था टेक के जाया करता था, आज भी मत्था टेकूंगा। लो भाई पहुंच गए अपन गुरुग्राम, ठीक है जी, और जाम नहीं मिला बिल्कुल भी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आते आते आज मैंने जितनी चीज़ें देखी ना वो बड़ी मज़ेदार थी, बिकॉज मैंने देखा कंस्ट्रक्शन का काम किस लेवल पे चल रहा है, अगर ये कंप्लीट हो जाए ना आने वाले टाइम पे नक्शा चेंज हो जाएगा सब चीज़ों का। भाई आप ये सब सोच रहे हो कि तुमसे गाड़ी कैसे चेंज हो गई मेरी, है ना, ये थोड़ा सा बैठ जो ऊंचे बैठ गए हम, क्योंकि भाई उच्चे लोगों के साथ बैठ गए ना भाई। देखो पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मारा भाई हो गया वो बड़ा। ना ना भाई कोई बड़े नहीं हम, वही हम तो बैठ जो कच्चे कच्चे में भाई मैं बड़ा खुश हूँ
मैं आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस मैन। दादा भाई हिज मैंने मुझसे पता क्या बोला था सबको क्या बोला था सुमिल को, मैंने कहा मेरे दिल में ना अगर चार क्वार्टर है ना, चार क्वार्टर होंगे ना दिल के अंदर, तो मैंने कहा एक क्वार्टर है साथ में के लिए कंफर्म परमानेंट। चलो भाई आपका तो परमानेंट है, परमानेंट स्वीट है भाई का। बढ़िया, कहाँ से लूँ सीधा ही पता नहीं मैं कौन हूँ ना। नहीं नहीं मैंने बताया नहीं था कि मैं मिलने किससे जा रहा हूँ, मैंने कहा काम से ना ना पूरा पाती क्या करेंगे इसमें यार भाई साहब। आप मैं देखो पता क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम टाइटल बोलता है इंडिया नंबर वन हॉन्टेड व्लॉगर, और ये सच है। ये तो सच है कह रहे, तो जो मैं देखता हूँ आज तक जब सामने रील आई है, वो क्या कहते हैं उसको, रील तो भी सीखा हूँ मैं, वो पोस्ट कब नहीं गया ऑलवेज है यार। ये तो सारे देखते हम भाईचारा देखते हम भाई, पता है क्या से उसे का शोर अभी आएगा नोएडा दूसरी ओर बिरादरी 36 रेड छोरे लेड लॉर्ड। तो भाई पता है क्या, अभी हम यही बातें कर रहे थे, मैंने भाई यही कह रहे थे बैंचो एक दूसरे की हमें ये नहीं देखते कि रील खोल के कि क्या है क्या बोला गया है, लाइक करके बैंचो खत्म, अपना फर्ज निभा देते हैं भाई। तो लोग तो देख के भी मैं तो लाइक नहीं करते। अरे भाई लोग तो गणजड़े हैं, हम गणजड़े थोड़ी हैं भाई यार। चलो भाई अब ठीक है, आपको मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि मैं भाई से मिलने आया हूँ, अब बस अब चलते हुए हम बाकी ब्लॉग करेंगे। ठीक है ब्लॉग नहीं करेंगे, अब हम मौज लेंगे लाड लो आप लोग कभी ना मौज लेंगे बैठ जो आज आज तुम्हारा भाई दिखाएगा बैठ जो ब्लॉगर होते हैं नीचे से लेनी है ना। तो भाई गाइस अभी अभी चल रही है कुछ डिस्कशन, लेकिन मैं ना भाई के पास 9:30 आया था और 1 जा रहा हूँ। नहीं आए थे 11:15 भाई, 11:15 आप आए थे भाई, 2 रहते हैं लेट भाई, कल से वॉक चालू है मेरी भाई, वो भाई की वॉक चालू है, वो आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिखेगा आपको, लेकिन अब मेरा निकलने का टाइम हो चुका है क्योंकि मेरे को सुबह 8:00 नो व्हाट पीपल आर सेल्फिश, पीपल आर सेल्फिश एंड दे आर सेल्फ सेंटर्ड। यस आई एम बेबी बैठ जाए, इतनी इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं अभी। आई लव यू मैन, थैंक यू, चले लव यू भाई, लव यू टू, चले निकले भाई। भाई निकल चुके हैं, टाइम हो चुका है, देख लो आप 1:00 पता नहीं कितने मिनट, 1:04। पहले तो ऐसे सारा निकलना बड़ा डिफिकल्ट है, तो पहले मैं ऐसे निकलूं लेफ्ट राइट, अच्छा ठीक है, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके भाई काफ़ी टाइम बाद है, मैं गुड़गांव की रोडों पर ऐसे घूम रहा हूँ भाई, बिल्कुल खाली पड़ी हुई, 1:09 हो चुके हैं और यहाँ से मेरे को तकरीबन 17 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से, और मेरे को 25 मिनट्स दिखा रहा है, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं हो सकता है मैं 20 मिनट में भी पहुँचाऊँ क्योंकि रोडें खाली है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपने घर पर 25 मिनट्स में पहुँचा गुड़गांव से। अब तो खैर एक गुरुग्राम है, लेकिन ये बड़ी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि भाई हम ना गुड़गांव टू दिल्ली के रास्ते को जो जानते हैं ना, वो यही जानते हैं कि भाई अलग लेवल पे फंसा पड़ा है, अलग लेवल पे। अच्छा तो अभी बात हो रही थी मेरी इंस्टाग्राम की टीम से कि भाई आपने जो मेरे को स्ट्राइक दिया, फिर जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का वो दिया था वो क्यों दिया, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा कोई कंटेंट भी नहीं डाला था, और अगर कंटेंट डाला था तो कंटेंट पे जाके वो मेंशन करते कि भाई ये दिक्कत थी, इस वजह से हमने आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस का वो दिया था स्ट्राइक, या स्ट्राइक दी थी जो भी दी थी, लेकिन वो कहते हैं कि बाय मिस्टेक हो गया। अब भाई ऐसे बाय मिस्टेक आप ये चीजें करोगे, वो भी इंस्टाग्राम, तो बस फिर कैसे चलेगा काम, मतलब कोई बंदा तो निकल लेगा आपके चक्कर में, है ना, उसके सालों की मेहनत है। शायद बहुत लोगों के नॉर्मल लग रहा हो कि ठीक है भाई एक्चुअली इंस्टाग्राम ही तो है, लेकिन भाई कमाई है जनता, तो फर्क पड़ता है भाई। किसी दिन है ना एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगा कि क्या क्या मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें करी और जो आपको बताने लायक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस MBS मॉल से भी जुड़ी हुई, सब बताऊंगा, ठीक है, जल्दी बताऊंगा और बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा, शायद आपके कुछ चीज़ें काम आए, शायद पक्का नहीं कह सकता लेकिन शायद आए। इसके मेरा भाई कैसे कंप्लीट हो जाएगा गुड़गांव टू दिल्ली का सफर।
रात के 1:13 और दिल्ली टू गुड़गांव के बॉर्डर पे जाम। अब ये जाम बेसिकली मैं बताता हूँ, कुछ पुलिस वाले हैं जो नो एंट्री के लिए पता नहीं क्या ट्रक वरक को रोक रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से सारा जाम लग जाता है। वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको शायद। अब जैसे इस ट्रक को रोका है शायद, अभी ये जो खड़ा ना ये येलो वाला, ये वाला दिखाता हूँ शायद आपको भी दिखे दो। ये है रीजन जस्ट, आराम चला इसको दिखाता हूँ आपको भी दिखाता हूँ। ये देखा, ये खड़े भाई साहब, ये रहे, ठीक है, इस वजह से जाओ भाई। पहुंच गए घर 2 मिनट में और डिनर करके और टांग पसा ले लंबी, नींद आ रही भाई बहुत तगड़ी। ठीक है, आपसे मिलूंगा मैं सुबह का। इस देखो मेरे को कैसे भी हाथ करेगा कि इधर आ, मैं तेरे ऊपर खड़ा हूँ। ये देखिए, हाँ छोड़ रही थी, वेट कर रही थी मेरा। चलो अब छोड़े चलेंगे, चलो ऊपर छोड़े चलेंगे। हाँ इतनी आ रही है, अरे मेरा बेटा वेट कर रहा था मेरा। हाँ क्या हुआ, क्या हो गया, कितनी गहरी नींद में हो भाई, पूरा फुल एक्टिव होके आएगा और अभी वेट करेगा, अब उसको लेके जाऊँगा सोने में। चले भाई सोए, सो जाए, गुड नाइट। बहुत प्यारा भाई है तेरा बच्चा। हाँ क्या हो गया, क्या चाहिए बता, तो उसको क्या चाहिए। उसको किचन में जाना, बिस्कुट चाहिए।